Hey guys, namaste, welcome back to my channel और this is me Khushi. So friends, आप जानते हो pigmentation एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली में pigmentation किसे कहते हैं या pigmentation क्या होता है. तो चलिए मैं बता देती हूँ pigmentation क्या होता है. तो आपके चेहरे पे जो है कहीं पे भी जिसे एक हिस्से में कालापन जमा हो जाता है उसे pigmentation कहते हैं और ये ज्यादातर आपके लिप्स एरिया के आसपास, चिन एरिया पे, अंडर आइज के नीचे, आपके गालों पे दिखने लगता है. इवन हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है. ज्यादातर लेडीज में ये प्रॉब्लम देखी गई है जिसे हिंदी में हम जाइयां भी कहते हैं. तो अगर आप भी जो है पिगमेंटेशन के शिकार हो, आपको भी जो है एक्ने पिंपल आने के बाद उनके दाग धब्बे रह जाते हैं लंबे समय तक, तो आपको डेफिनेटली आज की वीडियो अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि आज जो है मैं आपको इस चीज का बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी. तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए. ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना. हमारी चैनल पे पहली बार आए हो के एंजल वेब पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी ही कहा कि आज जो है मैं पिगमेंटेशन के ऊपर बात करने वाली हूँ. पिगमेंटेशन ऐसी प्रॉब्लम है जो आसानी से बिल्कुल नहीं जाती है, उसे मिटने में जो है सालों साल लग जाते हैं. पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इसके ऊपर जो है मैंने अलग से अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो. बट आज जो है पिगमेंटेशन का बेस्ट सॉल्यूशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो वो है ये बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम, जो कि एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड क्रीम है और डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड क्रीम है, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो. बट अदरवाइज भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसको लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए. और ये जो क्रीम है इतनी ज्यादा यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है तीन बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं. इसके अलावा भी कुछ इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे. और जो मेन तीन इंग्रेडिएंट है वो है लाइम पियर, बी वाई हाइड्रो सिट्रोसोल. तो जो लाइम पियर है उसे जो है लाइम एक्सट्रैक्ट ही कहा जाता है, लेमन जूस की तरह भी आप इसे कह सकते हो. लाइम पियर जो है साथ में नेचुरल सोर्स है AHA का. ये आपके चेहरे को स्मूथ बनाने में, ब्राइटन अप करने में और आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ऑब्वियसली लेमन जो है विटामिन सी से भरपूर है. बी वाइट जो है स्किन लाइटनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छा नेचुरल ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा और आपके चेहरे को बहुत ज्यादा क्लीन और क्लियर बनाने में हेल्प करेगा. जो भी पिगमेंटेड एरिया है उसको भी लाइटन अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. और जो OAH है वो एक ऑलिव एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि आपके चेहरे पे जो भी धब्बे धब्बे में पिगमेंटेशन है उनके ऊपर कारगर रूप से काम करेगा और मेलानिन की मात्रा को घटाएगा. साथ ही आपके चेहरे से जो भी डिहाइड्रेशन है उसको दूर करने में हेल्प करेगा. तो इस तरह से ये जो है वर्क करता है. ब्लेमिशेस, एज स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सारी कुछ चीजें जो है ये दूर करता है. आपका स्किन टोन जो है वो एनहेंस करता है. और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताओ तो आपको जो है रात में सिर्फ इसे इस्तेमाल करना है. बहुत कम अमाउंट में इस क्रीम को लेना है, अपने चेहरे पे अप्लाई कर देना है और मॉर्निंग में अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है. और इसको यूज करने के साथ साथ आप जो है सनस्क्रीन को जरूर इस्तेमाल करिए क्योंकि सनस्क्रीन के बिना आपकी स्किन जो है अच्छी रह नहीं सकती है. तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करना है. धूप में जाने से बचिए, आप जितना ज्यादा धूप को अवॉइड करेंगे आपके चेहरे के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा. और बात करूं इस क्रीम के रेट की तो ये आपको अराउंड कुछ 450 की मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो है ओरिजिनल परचेस लिंक दे दी है तो वहां से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो. ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, चाहे ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, सारे ही जेंडर के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. स्पेशली अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो. मैन वुमेन दोनों के लिए है. सो यस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आई होगी. तो इसी तरह की नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.